रंगीन अद्भुत बाघों की दुनिया और जादुई गोल्डन शेर का उन पर आतंक और सफेद शेर बाघ बचाओ। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में सिर्फ बाघ ही रहते थे। वो सभी रंगीन कलर के बहुत ही अद्भुत बाघ थे। वो रंगीन बाघ सभी के सभी बहुत ही अद्भुत रंगों वाले थे, लेकिन वो सभी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना कर सके। लेकिन फिर भी वो सभी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। उनके जंगल का राजा भी एक बाघ ही था, जिसका नाम था हीरा। हीरा बाघ बहुत ही अच्छा राजा था। वो जंगल के जानवरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, उल्टा वो उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। बस इसी व्यवहार के कारण जंगल के सभी जानवर भी अपने महाराज से बहुत खुश थे और उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार क्या होता है, उनके जंगल में जाने कहां से एक मॉन्स्टर लायन घुस आता है। वो मॉन्स्टर लायन गोल्डन कलर का एक बहुत ही खूबसूरत शेर था और वह आते ही अपनी शक्तियों से उस जंगल में आतंक मचाना स्टार्ट कर देता है। और थोड़ा आगे चलकर वो देखता है कि वहां पर कई सारे बाघ खड़े हुए हैं। उन इतने सुंदर बाघों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। अरे वाह, ये मैं कितने सुंदर जंगल में आ गया हूँ। यहाँ तो मुझे इन अद्भुत रंगों के बाघों का मांस खाने को मिलेगा। मेरे तो मजे ही आ जाने हैं। बल्ले बल्ले, अब आएगा मजा। ऐसा बोलकर वो जंगल में आगे बढ़ता है और फिर से उसे वहाँ खड़े हुए रंगीन बाघ दिखाई पड़ते हैं। अरे यार, यहाँ पर तो सभी बाघ एक ही जैसे हैं। सभी बहुत ही अद्भुत रंग के हैं। चलो इनका शिकार करके देखता हूँ। इतना सोचकर वो मॉन्स्टर लायन उन बाघों की ओर बढ़ता है। उसको आते देख कुछ बाघ तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक बाघ को पकड़कर वो उसका शिकार कर लेता है और उसको मार कर खाने लगता है। कुछ देर खाने के बाद मॉन्स्टर लायन बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मांस तो मैंने आज तक नहीं खाया। अब मॉन्स्टर लायन हर रोज एक बाघ का शिकार करने लगता है और उसे मजे मजे करके खाने लगता है। अब उस जंगल में बाघों की कमी होने लगी थी। उस जंगल के जानवर अब परेशान होने लगते हैं कि हमारे जंगल से बाघों की संख्या कम क्यों हो रही है। क्या हमारे जंगल को छोड़कर बाघ दूसरे जंगल जा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर कुछ बाघ इकट्ठा होकर अपने महाराज बाघ के पास जाते हैं। अरे बाघ महाराज, हमारे जंगल से बाघ की संख्या जाने क्यों कम हो रही है। हमें तो लगता है कि बाघ जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ और ही लगता है। अगली सुबह होती है और हीरा बाघ महाराज जंगल के शेर पर निकलता है। हीरा जब जंगल में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ दूर एक शेर अपनी जादुई शक्तियों से एक बाघ को मार रहा है। तभी उसको कुछ याद आता है और वह अपनी गुफा पर जाकर एक बाघ को अपने दोस्त को बुलाने के लिए भेजता है। कुछ ही देर में वह बाघ हीरा के दोस्त सफेद शेर को बुला कर लाता है। सफेद शेर गुफा पर आने के बाद हीरा महाराज से उसको इतनी जल्दी बुलाने की वजह पूछता है और वह बाघ से बोलता है, अरे भाई क्या हुआ, मुझे तुमने इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया है। क्या कोई परेशानी आन पड़ी है। हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे जंगल में एक मॉन्स्टर लायन घुसाया है और उसके पास तो बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनका हम मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारे पास तो शक्तियाँ हैं, तुम अपनी शक्तियों से उसका मुकाबला कर सकते हो।
अच्छा ये बात है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए हमें रात होने का इंतजार करना होगा। रात होने पर मेरे पास और भी ज्यादा शक्तियाँ होती हैं, जिससे मैं आसानी से कितनी भी ज्यादा शक्तियों वाले जानवर का मुकाबला कर सकता हूँ। ठीक है भाई, हम दोनों रात में ही उसे खत्म करने के लिए चलते हैं। अब वो दोनों दोस्त रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होती है और वो दोनों दोस्त उस शेर की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिर एक सुनसान जगह पर उन दोनों को वो शेर दिखाई पड़ता है। उस शेर को देखते ही वो दोनों दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। सफेद शेर उस जालिम शेर को अपनी शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर देता है। अरे तुमने मुझे इस पिंजरे में कैद क्यों किया है, और इस पिंजरे में तो मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? अब तुम्हारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम्हें इस दुनिया से जाना है। तुमने जो कुछ करना था कर लिया, अब तुम्हें अपने पापों का हिसाब देना है। इतना बोलकर सफेद शेर उस पिंजरे में आग लगा देता है और वो मॉन्स्टर लायन वहीं पर जलकर राख हो जाता है और वो दोनों वहां से भाग पड़ते हैं और वापस गुफा में आते हैं। गुफा में आने पर हीरा बाग सफेद शेर का शुक्रिया अदा करता है और सुबह होने पर सफेद शेर वापस अपने जंगल चला जाता है और रंगीन अद्भुत बाग फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह से उस मॉन्स्टर लायन का खात्मा उस रंगीन बागों वाले जंगल से होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।